टीबीएच की खास बात यह रही है कि जब भी हमने गेस्ट बुलाया वो एक सेलिब्रिटी होता है, एक मशहूर आदमी होता है। आज हमने एक एक्सेप्शन रखी, आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया कि जिस ड्रामे में इन्होंने काम किया वो ड्रामा हिट हो गया। ये नहीं हिट हुआ, इनके ऊपर, इनके अपने ऊपर एक फिल्म बन रही है, अपने ऊपर, उसमें भी हीरो के भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फुरकान कुरैशी, फुरकान कैसे आप दोनों से मिलाएंगे हम? अजय कैसा लग रहा है फुरकान? बहुत ही घटिया इंट्रोडक्शन देने का, बहुत शुक्रिया। जायके के हिसाब से देते हैं। फुरकान, मेरी और आपकी दो बार इंटरेक्शन हो चुकी है। अच्छा। एक तो अभी बैक स्टेज हुई जब मैं पैंट पहन रहा था, अचानक अंदर आ गए। हाँ, और ये आप मुझे देख के शर्मा गए, लेकिन मैं रुका नहीं, बिल्कुल आप अंदर ही आ गए। आप आते चले गए, आते चले गए। अच्छा लग रहा था मुझे नजारा। बड़े होकर किस जैसे हीरो बनेंगे? पाकिस्तान में कह रहे हैं वैसे, अदरवाइज आप इरादा है कहीं अफगानिस्तान में जाने का? नहीं, पता नहीं यार, आई डोंट आइडलाइज तो मैं सच किसी को नहीं करता, बस हो जाए कुछ ना कुछ अच्छा। शीशे में खड़े हो गया यार? नहीं नहीं, नेवर थॉट लाइक दैट। आंखें कुछ फूली फूली सी लग रही है, खास वजह इस बात की? काफी डिसेंट लग रहा हूं मैं आपको अभी। हां, पता नहीं क्यों। हां नहीं, मैं हूं नहीं, वो थोड़ा मैं ओपन अप होऊंगा तो ऑब्वियसली एक क्लिक पे सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। हां वेरी गुड। वैसे रात को नहीं करना चाहिए था, सुबह करते ना तो एक एनर्जी लेवल अलग होता। सुबह बड़े आर्टिस्ट आए थे ना। 1-0 हो चुका है वासित, हिट हुए आप। आपको लोग ड्रीमर से एक ब्रेक मिला, आगा आगा के नाम से जानते थे। हाँ। मगर काम नहीं मिला यार। हाँ, ये बड़ा खतरनाक स्टोरी है एक्चुअली। हुआ ये कि लॉन्च हो गया मैं, हो गया। और वो ड्रामा भी हिट हो गया ड्रीमर्स, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने बड़ा कुत्ते ऐसा ट्रीटमेंट दिया, मतलब यू नो, क्योंकि होता है कि मर्द का स्ट्रगल बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क। औरत का तो फिर भी थोड़ा, इफ आई कैन से दिस, ठरक से थोड़ा वो होता है। हाँ। लेकिन मर्द का थोड़ा जिल्लत वाला स्ट्रगल होता है कि अगर आप दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं और हिना और फुरकान बैठे हुए हैं, तो हिना को बुला लेगा ताकि कम से कम आंखें ठंडी हो जाए, फुरकान को नहीं बुलाएगा क्योंकि उससे क्या मिलेगा उससे। यार कुछ लोग तो फुरकान को बुला के भी आके ठंडी करते हैं। वो फैशन में होता है ना, यानी वो ये ड्रामे में नहीं होता, ड्रामे में कम होता है कंपैरेटिवली। देयर आर यू नो मोर स्ट्रेट पीपल इन ड्रामास। अगर हिना से पहले आपको कोई बुला ले किसी दिन कि यार तो हिना को छोड़ो फुरकान को भेजो, आप ट्राई करके देखें कभी, जरूर आप आएंगे, खुश करेंगे आप। ठीक, अभी बुलाया आपने, आए ना रात को, लेकिन खुश नहीं किया अभी, आ गए इसके बाद सूखा रखा आपने शो के बाद। अच्छा, जैसे आपको मुझसे प्यार हो गया, सुनने में यही आया आपको बार बार प्यार हो जाते हैं, जगह जगह प्यार हो जाता है। कौन, किसने बताई आपको इतनी? यार सारे लोग जानने वाले थे आपके। अच्छा, सारे लोग मतलब यही जो मेरे एक लड़का, मैं आपका जानने वाला था। अच्छा, नहीं वो शुरू में मुझे हो जाता था प्यार हर जगह। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, काम से कर लें प्यार तो ज्यादा बेहतर है। ऑल बॉयज के पढ़े हुए? नहीं नहीं, को एजुकेशन। उसके बावजूद जगह जगह प्यार है यार। हम जैसे लड़के होते हैं ऑल बॉयज के पढ़े हुए। हाँ। हम बाहर निकलते हैं तो हमें हर हिलती चीज से प्यार हो जाता है। नहीं, मुझे भी हुआ ऐसे, बॉयज का, गर्ल्स में पढ़े ज्यादा बदतर होगा, तो सामने नजर आ रहा है हासिल नहीं हो सक रहा ना आपको। ये बात और तरसते हैं आपके यार, इधर ही आ जाओ बैठ जाओ। नहीं यार, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, पहले मैं ऑल बॉयज स्कूल में गया। अच्छा, 10 साल 3,000 सख्त लॉन्डो में पढ़ा, ठीक है। फिर 2 साल कॉलेज ऑल बॉयज। ओहो, फिर तभी आप पैंट उतार रहे थे? पैंट उतार रहा था, मुझे कोई घबराहट नहीं हुई जब आप आए, मैं कैजुअली उतारता रहा। नहीं नहीं, आप घबराए थे? घबराया था ना, क्योंकि आप कोएड से पढ़े हो ना। फिर हम इंजीनियरिंग करने चले गए, चार वहां खवातीन तो बस ऐसी पंक्चुएशन के तौर पे लगाई हुई होती है, एक दो कॉमे लगा दी, और क्योंकि गुर्बत के दिन आपके काफी एक्सटेंडेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक बार याद है कि आप कुछ खवातीन से मिलने गए, दो खवातीन वन बाइक, अल्लाह खैर करे, टू गर्ल्स एंड वन बाइक, एक स्टोरी है आपकी। अरे नहीं यार, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ भाई, बोरिंग होता। हुआ ये कि मैं, चूंकि मैं बहुत अमीर नौजवान था, तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी और वही होती थी, लेकिन मुझे लड़कियों से बात करनी आती थी, आई न्यू हाउ टू चार्म देम, मुझे लगता था या शायद आती थी। ठीक है, तो मैंने उसको एक दिन मोटरसाइकिल बिठाया, मैंने कहा चलो समंदर पे लेके चलता हूँ, तो समंदर पे लेकर गया उसको, मैंने बराबर खड़ा किया, आप वॉक कर रहे हैं, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि देखिए जी, मर्द जो है वो औरत की सिक्योरिटी करता है। मैं लंबा तो जब भी था, लेकिन डंडा था ना, मेरे को लात का कोई इशू, एक्शन करता था ना तो मैं गिर जाता, इतना मैं पतला था बहुत, लेकिन मैं सिक्योरिटी का उसको कह रहा हूँ कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगा। अचानक से क्या हुआ, एक बगैर लाइट की एक बाइक आई दूर से, मुझे आवाज आई और दाविश मैं भाग गया, खुदा की कसम आई रैन ऑफ, मैं भाग गया वहां से। तो जब मैं भागा तो उसने कहा रहे क्या कर रहा है अबे, क्या कर रहा है अबे, पुलिस वाले हैं अबे, इधर लड़की नहीं भागी तू भाग गया बहन के। तो मैंने कहा यार पुलिस, अब मैं वापस आ गया, मैंने कहा क्या कह रही, नहीं नहीं फुरकान ये कि पुलिस है। मुझे लगा चोर है यार, जाहिर है भाई, मेरे पास 3,000 रुपए का टेलीफोन था, वो ले लेते तो फिर कैसे स्ट्रगल करता, स्ट्रगल भी नहीं हो पाता, स्ट्रगल भी नहीं होती ना। अच्छा खुदा मेरा भी है, इसमें सेलेक्ट कैसे हुए, कमरे में गए या
कमरे में गए या किसी को बुलाया? इसमें हुमायूं सईद थे, उनको टेस्ट चेंज करना था, ठीक है, तो इसलिए मैं सिलेक्ट हो गया। नहीं खैर, जो उसकी प्ले की राइटर थी उनका पहला ड्रामा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये है ड्रामा, तो मैंने उनको कहा कि मैं क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, आई वोंट वॉक लाइक अ गर्ल, आई वोंट टॉक लाइक अ गर्ल। तो फिर हुमायूं सईद ने मुझे कहा कि सारी चीजें तुम नहीं करोगे तो फिर आवाम को कन्विंस कैसे करोगे कि तुम्हारा कोई वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर मैंने आवाज से ऑब्वियसली ये करके बात की ना मैंने, तो आप हिट हो गए, तब भी हिट नहीं हुआ लाना। कुरान की सवाल इसी से निकलता हुआ है कि निपोटिज्म जो है, एक अंग्रेजी भारी लफ्ज है, निपोटिज्म जो है ये इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, और अगर हिट होने का क्या यही तरीका है? व्हाट व्हाट्स योर टेक ऑन इट? नहीं, आई थिंक यहां ज्यादा, यहां इतना कम करते क्योंकि यहां प्राइस इतना बड़ा नहीं है ना। यहां अगर आप टॉप के स्टार बन भी जाएं तो आप उतने बड़े स्टार नहीं बनते जहां इंडिया में सी ग्रेड एक्टर होगा, तो इस वजह से कंपैरेटिवली कम है ऑब्वियसली। बच्चे भी तो नहीं सबके, बच्चे भी नहीं है, और प्लस लॉबीज का यहाँ ज्यादा सिस्टम है ना कि मैं आपका दोस्त तो मैं उनका दोस्त तो आ जाओ, या यहाँ भी हम दोनों नेपोटिज्म की वजह से बैठे हैं, अब्दुल्ला की भाई का कहेंगे तो बैठे ना बाबा जी कोने में। मुझ में तो टैलेंट भी है। अरे फरकान, वो एक क्लिशे सवाल, समीना पीर ज्यादा टाइप्स, आप इंस्पिरेशन पैदा कब हुए थे, क्यों हुए थे, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन यार ऐसा कोई भी नहीं है, आई बिकेम एन एक्टर एक्सीडेंटली, और कुछ लोग मिल गया रास्ते में, तो रास्ते में उन्होंने सपोर्ट किया, हाँ उन्होंने ऑब्वियसली सपोर्ट किया। मेरा पहला ऑडिशन जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, कमरे में नहीं बुला रहा था कोई, कमरे में नहीं बुला रहा था, जहाँ भी रहते तो कोई पैंट भी था, खैर तो अब क्या हुआ कि कमरे में कोई नहीं बुला रहा, तो मैंने कहा कि जी क्या करें अब, हाँ खैर फाइनली क्या हुआ कि अच्छा मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अमीर था, लेकिन फिर मैं गरीब हो गया था बिकॉज थोड़े प्रॉब्लम हो गए थे, तो मैं लेकिन मैं बोलता सही अमीरों की तरह था, हाँ लेकिन दिखता मैं भिखारी था, अजीब सी यू नो बुरा हाल और ये गुर्बत की। तो मैं पहुंचा उधर, मैं इतने ऑडिशंस दे चुका था ताबिश के मैं थक गया था, मैंने कहा एक दो और होंगे उसके बाद या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या तो कोई और काम करना पड़ेगा। तो मैं गया ऑडिशन रूम में, तो एक साहब बैठे हुए थे, मैंने वो कहा कि जी, उन्होंने पूछा क्या नाम है, मैंने कहा जी फुरकान नाम है, मैं बोला एक काम करो, मैंने जी बताएं, कह रहे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्क्रीम, तो चीखना है, तो चीखना है, तो मैंने कहा बगैर पैंट उतारे सादा 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 चीख दूं, ये ऐसे नहीं करूंगा, सूखा सूखा, हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उतार दी, फ्रस्ट्रेशन होती है, अच्छा उतार दी, नहीं नहीं फ्रस्ट्रेशन होती है, तो मैंने चीख मारी बहुत बुरी तरह, तो मैंने चीख मारी तो वो पुलिस आ गई, सेलेक्ट हो गया, अच्छा सेलेक्ट हो गया, रात के 10 बजे घर पे बुलाया डायरेक्टर ने मुझे, नहीं खाया सेलेक्ट हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी अब हो गया, फिर वो दैट मैन वाज असफर अली, ऑब्वियसली असफर अली वो वाहिद मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर है हम दोनों के कॉमन, जो बगैर कमरे में बुलाए, कमरे में बुलाए लेकिन पैंट नहीं उतरवाया, खुशी है बगैर पैंट उतारी, वो जो है आंखों से ही आंखों से नंगा कर देते हैं, एक्सरे उनकी आंखों से देखा हो गए, तो चलो जाओ महसूस हुआ नहीं कुरान सबसे सवाल पूछा मैंने, कितना पैसा बन जाता है इंडस्ट्री में? यार बहुत बनता है, मैंने जितने लोगों से पूछा सीनियर एक्टर से, उन्होंने कहा नहीं यार अब टैलेंट नहीं है, खूबसूरती के ऊपर हो रहा है और सब मिल रहा है, तो हार्ड वर्क क्या, टैलेंट ऑन कैमरा नहीं दिखाना ना आपने, ऑफ कैमरा टैलेंट है ना सारा, दोस्ती करनी है, लॉबी करनी है, फलाने से बात करनी है, करनी है, तो ऑफ कैमरा पॉलिटिक्स जो है उसमें टैलेंट है ना भाई, तो ऑफ यानी नेटवर्किंग एबिलिटीज जो है दैट कैन take you forward, that is the only thing which will take you places, jo senior adhikar isliye struggle kar rahe hain, isliye struggle kar rahe hain, wo nahi kar pate na, wo temperament nahi hota aapka, ha sahi hai, to theek thak paise bana lete hain bhai, apna chairman hai, feminism jante hain is lafz ko, kya views rakhte hain is pe? Yeah, I don't know, ab wo politically correct honga main nahi, jo ki nahi hona obviously, natural batana hai to be honest, nahi to nahi, jo cheeze sahi hain wo cheeze sahi hain, jo cheeze thodi si weird hain wo cheeze weird hain, अभी एक फिल्म आई है चुड़ैल्स करके, तो उसमें ऑब्वियसली ये हाईलाइट किया गया है और काफी लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, इक्वल राइट्स के बारे में जो बात करते हैं वो करते हैं, मारना मराना ऑब्वियसली गलत है यार, किसी भी इंसान को मारना इज इनकरेक्ट, अब वो भले मार दो या औरत हो, तो अगर उसके लिए आवाज है, उस इक्वालिटी की बात है, तो फिर व्हाई नॉट, ऑब्वियसली वी ऑल सपोर्ट, इक्वालिटी की बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, काफी और चीजें हैं ऑब्वियसली आपको पता है, जो रिप्रेजेंट कर रही है फेमिनिज्म को, हाँ वो सही कर रही है, या आपको उनसे इख्तलाफ है फेमिनिज्म से नहीं है, ऐसा भी तो होता है ना कि यार रिप्रेजेंटेशन, मुझे हाँ रिप्रेजेंटेशन शायद थोड़ी सी लाउड है, हाँ लेकिन बाकी एजेंडा से ऐसा सच कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोर्ट करते हैं, डर गए, हाँ भाई डर गए, भाई डर गए, नहीं क्योंकि फिर मसला ये कि ये शो के बाद भी तो जिंदगी है ना मेरी, ये भी तो है, बैन हो जाओगे, कैंसिल कल्चर भी तो बहुत है, कैंसिल कल्चर, कैंसिल फरकान शेख, जी 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 बर्बाद हो जाएंगे, ही इज फेक, हां
भाई जो नेक्स्ट सेगमेंट है हाँ जी, इसको जो है स्पॉन्सर किया है एक पाकिस्तान को तहफ्फुज़ देने वाली कंपनी ने, बहुत सेफ काम, पूरा टैक्स देते हैं, हर चीज पूरी करते हैं, महफूज रखते हैं और कोई फाइनेंशियल लीकेज भी नहीं हो सकती इसमें, कोई लीकेज नहीं है इसमें, कोई लीकेज का तो गेम है भाई, सारा गेम ही लीकेज, लीकेज का ही गेम है। यस यस, कई बच्चे इनकी वजह से इस दुनिया में आने से कासिर रहे, क्योंकि सेगमेंट का नाम है ड्यूरेक्स एक्ट। सही, पहला सवाल, आप दोनों में से एडवेंचरस कौन है, किसके अंदर है कीड़ा? फायरिंग करेंगे बस कमरे में। मेरे अंदर ही है यार, मेरे अंदर ही है, हम लोग काफी अच्छा एक्शन फिल्म्स देखते हैं हम लोग, तो मैं काफी, मुझे पसंद है एक्शन, पश्तो फिल्म एक्शन मुझे, हाँ एक्शन पश्तो, हाँ एक्शन फिल्म्स ना, कई पश्तो फिल्म में आपने काम करने का अगर मौका मिले, हाँ। बहुत आसान होता है पश्तो फिल्म में काम करना, हाँ हाँ, बंदूक लेके सिर्फ खड़ा होना हीरो, हाँ हाँ, हीरोइन नाराज रहती है, खड़ा ही होना होता है। गंदा दिमाग किसका है, मतलब कोई साफ बात भी हो रही, गंदा मतलब निकाल लिया यार, मेरा है क्योंकि मैं थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम है, हाँ तो मेरा थोड़ा सा गंदा दिमाग है, हाँ हाँ, बात बात पे चढ़ा लिया, तौलिया फेंक दिया आपने, तौलिया फेंक दिया, हाँ हाँ, यही भी इधर इधर कहीं, हाँ साफ किए, हाँ बाल, हाँ और फेंक दिए। अच्छा, बत्तियां जो होती हैं घर में, बत्तियां होती हैं सबके, आपको खुली पसंद है या बंद? देखें जी, जब दिमाग खराब होता है तो फिर खुली हो या बंद हो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि भाई जब चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, हाँ खाना 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 है ना भाई, नजर आएगा तो खाएंगे ना, कैसे खाना, खाली हड्डी नाक में डालनी, हाँ बिल्कुल। व्हाट इज द वाइल्डेस्ट थिंग दैट यू हैव एवर डन? यार आई फाड़ दिया हो, मतलब तौलिया उतरी हुई है, बंदूक ताना हुआ है कोई, हाँ यार आम ही लियाकत बन जाए अचानक ना, बंदूक तनी हुई तौलिया उतरी हुई आम खाए यार, वाइल्डेस्ट तो बहुत सारा है, मैंने खाना मतलब ऐसे चॉकलेट, हाँ चॉकलेट खा रहा था दूसरा ना बंदा अगला, तो मैंने छीन लिया उससे, छीन लिया, हाँ और मैं खाने लगा चॉकलेट, बहुत जंगली काम, थैंक यू थैंक यू। फेवरेट फ्लेवर क्या है आपका? कोई भी हो, मैंने मुझे थोड़ी टेस्ट करना है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आप बैठे हो घर के सुकून से, माहौल चल रहा है, फिल्म देख रहे हैं, बात हो रही है, आपको पता है कि यार आज होगा कुछ, हाँ आज बिरयानी बनेगी, तो नीचे से आवाज आ जाए, फरकान नीचे आइयो, हाँ माल लेकर आइयो, इस तरह आवाज आ गई नीचे, हाँ तो आप बहाना बनाते हो या चले जाते हो नीचे, यार आज नहीं समझा कर ऐसा कुछ? भाई जब जब आई भी हो, जब छाई भी, जब छाई भी हो, छाई तो फिर आप किसी की बात नहीं मानते, हाँ फिर आप जाते ही हैं नीचे, नीचे चले जाते, हाँ हाँ फिर तो ये तो जब दोस्तों की याद सताई हो, हाँ हाँ आप जाते ही याद आई हो, आप बैठो तुम पहन लो, मैं तौलिया पहन, या तो ऊपर माल कर लें या नीचे माल कर लें, हाँ आप में से कडल करने का शौक किसको है? जानू था, हाँ ये तो ज्यादातर आपको पता है कि मर्दों का ही होता है, मर्दों का ही होता है, एक टाइम तक होता है, उसके बाद तो जहर लगते हैं आपको। अच्छा, कोई कुछ लोग होते हैं ना, गाना होता है यार, ये गाना चलेगा तो बस मेरा मूड बन जाएगा, कोई गाना है लाइफ में ऐसा? नहीं, मूड बनाने के लिए गाना क्या, मेहदी हसन की गजल सुन ली यार मूड बन गया, आज मेहदी भाई को देखा ना, तो उसके ऊपर है ना, मूड के ऊपर है, मूड के ऊपर, मूड हो जाए तो म्यूजिक हो नहीं हो कोई मसला नहीं, बस मूड है, गजल बज रही हो तो वो भी वही हो जाता है। इंस्टेंट टर्न ऑन क्या है, ऐसी कोई चीज देखते ही ओबे यार अब तो बस यार, ऐसे जैसे कोई कोई ऐसी शाइन करती हुई ना, कोई चमकती हुई चीज, चमक कोई चमक रही हो, कोई गाड़ी वाड़ी ना इस तरह, तो मैं ऐसी देख के ना बिल्कुल टर्न ऑन हो जाता हूं। ओह माय गॉड, ये हुमायूं सईद की BMW जा रही है, आप यूं खड़े हो देखा, ओपे क्या देख लिया, चलो भी चलो, चलो भी चलो, एकदम हथियार हाथ में आ जाता है ख्याल, एकदम तौलिया उतार दी। मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं एक्टर्स के, और आपने बताना है कि इनका आपके दिमाग में क्या परसीव पॉलिटिकल इंतखाबी निशान जो होते हैं ना, हाँ, वो क्या होगा? सही, ठीक है, सबसे पहले मथीरा, डंडा, क्या कनेक्शन बना इन दोनों का? भाई डंडा मार दे, क्या उल्टी बात करें, डंडा मारेगी, हाँ डंडा, हाँ, बहुत सख्त हाथ, हाँ, बहुत, हाँ, सख्त, भाई भाई उठा, क्या लगा, हाथ उठा लेती है। हुमायूं सईद का क्या होगा? कमरा, चप्पल, नहीं नहीं उनका क्या होगा, भाभी, उनका बिस्तर होगा, मेरे ख्याल बिस्तर पे बैठे होंगे, बैठे हुए होंगे बिस्तर पे, रेस्ट कर रहे होंगे यार, और शहंशाह आदमी बिस्तर पे बैठ सकते हैं वो सुबह शाम। साहिर भाई का, उनका अपनी तस्वीर होगी बराबर, दो दो साहिर लोधी, इसको ही वोट दे दो, इंतखाबी निशान साहिर लोधी, साहिर लोधी, वाह भाई वाह, ही लव्स हिमसेल्फ ना। आमिर भाई का, आमिर लियाकत का, हां इंतखाबी निशान, हां उनका बिस्तर, सोफा, जमीन, दो जगह, बोलूंगा तो बड़ा क्लीशे जवाब हो जाएगा यार, केला, केला होगा, केला हो सकता, केला क्यों होगा यार, भाई फ्रूट है, सार गलत है, हां वो सब्जियों में काफी इंटरेस्टेड है। मीरा का क्या होगा यार?
इंतखाबी निशान मीरा का वो होगा ना, शेक्सपियर किताब होगी, डिक्शनरी होगी, हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न उर्दू. अंग्रेजी तो आती है उनको. मीरा से इंटरेक्शन हुआ ना? नहीं, मीरा से कभी नहीं. शादी हो चुकी है माशाल्लाह. जी जी. कितने बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं. ये कोई कहता नहीं यार इतने साल हो गए, प्लान करो, बच्चा प्लान करो, कभी सोचा? हाँ यार, शुरू शुरू में ताने पड़े. एक लिफ्ट में जा रहा था मैं तो बच्चा नहीं कर रहे. यार अभी तो लिफ्ट में हूँ ना. क्यों आप यहाँ कैसे करेंगे बच्चा? आप मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मतलब बच्चा नहीं कर रहे यहाँ क्या कर रहे हो यार? यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कर लो, बच्चा करो यार. मेरे दिमाग में ना जब कोई बोलता है बच्चे प्लान करो, तो मेरे दिमाग में आता है मैप वैप रखे होंगे, हम लोग बढ़ा रहे होंगे यार, यहाँ पॉइंट ए से आप आओगे, ठीक है मैं बी से आऊंगा यार. एक सवाल जो हमने सबसे पूछा, जब आप चले जाएंगे दुनिया से तो लोग आपको कैसे याद रखें? कोई इतना मेरे को वो नहीं है यार, उधार उधार लेके मरो मैं तो फिर ऐसा याद रखेंगे. उधार माफ कर देते हैं, मर गया तो माफ है भाई. नहीं बोलते नहीं, ये मैं सोचता हूँ तो ये डर लगता है कि वो नहीं होता अक्सर भाई इनका किसी पे कर्जा है तो वो बता दे अभी. कितनी एम्बैरसिंग बात है. कौन बोलेगा जी मेरे 1500 रुपए लिए थे इन्होंने, कुत्ते की मौत मर गए. कौन गएगा यार से? बड़ा बुरा मरे हैं यार. हाजी साहब मेरे से लाइटर लेके गए थे, दिया नहीं करते, निकाला जा रहा है. आज ही मर रहा था इन्होंने. मेरा लाइटर ले लो. सिगरेट लगाई नहीं मुंह पे यार. आगे का आपने लाइटर कवर से वादे बाप, ये भी दे दे. झूठ बोल रहा है, मैंने लिया था. किस पॉलिटिशियन को आउट ऑफ 10 पूरे 10 देंगे यार? हाँ. कौन है वो? आसिफ अली जरदारी. यार मैं हैरान हूँ यार, जो आदमी आ रहे हैं, जो अदाकार पॉलिटिशियन ना, अब देखें वो ये पॉइंट नहीं है ना कि अच्छा या बुरा, पॉइंट ये है कि पॉलिटिशियन कौन है. तो जरदारी साहब यार, जिसने जो जिससे पूछा ना उसने कहा आसिफ अली जरदारी. जी सर, सबने कहा इससे बेहतर कोई नहीं. देखे ना वो दूसरे वाले चले गए, भाग गए, वो इधर ही हैं, वो इधर ही, वो खड़ा है, बैठा है, अदालत भी जा रहे हैं वो शख्स. हां बिल्कुल, कमेंडेबल है ये बात. तो कमेंडेबल. मी टू मूवमेंट आई, बहुत सारे लोगों पे इल्जाम लगे, कुछ पे साबित हुए, कुछ पे नहीं हुए. हाउ डू यू लुक एट इट? डर लगता है? हाँ. कभी किसी ग्रुप पे आ सकते हो आप? बिल्कुल डर लगता है. नहीं, कार्रवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती ना. डर लगता है कि खुदा ना खास्ता आपने किसी से बदतमीजी भी कर ली, किसी में चाय में चीनी डाल के दी, उसने कर दिया जी मुझे हरास किया, क्या कर लेंगे आप? यू नो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन पे अगर ये कोई भी खातून बैठ के मुझ पे एलिगेशन लगा दे अभी, आप कुछ नहीं कर, आपके ऊपर लगा दे ये कैमरा मैन, ज्यादा यकीन होगा लोगों का, लेकिन अगर कोई लगा दे ये क्या बात हुई यार. नहीं तो आप कैसे इसको डिनाई करेंगे? हाँ. तो बेहतर ये कि बच के अल्लाह, बस अल्लाह से दुआ करो. और आई एम श्योर, मतलब ये एजेंडा गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ है और बिल्कुल सही है, और मर्दों की बहुत इसमें फटी है, पढ़नी चाहिए भी, भी थी, लेकिन काफी इसको मिसयूज भी किया गया. कोई फेवरेट कैरेक्टर है आपका जो आपने अभी तक किया हो, कोई खास? द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट वाज आगा, ड्रीमर्स वाला. लेकिन हाँ. वो कैरेक्टर कोई यहाँ आकर के फायदा नहीं होगा. हाँ, वो तो उस टाइम पे तो मेरी शक्ल पे ही मनुष्यत थी, तो वो कोई जरूरत नहीं थी प्ले करने की, खुद ही आ गया. अब एक काम करते, एक ट्रैफिक सिग्नल है और दो लोग जो सिग्नल पे खड़े होते हैं, मैं बन जाता हूँ कोई फकीर, आप कोई ट्रांसजेंडर टाइप बन जाओ. मेरे को ट्रांसजेंडर सूट नहीं करता, मैं असली लगने लगता हूँ. तो हम बन जाते हैं, ठीक है, और हम स्पॉट पे लड़ाई कर रहे हैं अपने स्पॉट. वो स्पॉट पढ़ नहीं गया है. अच्छा, अच्छा. स्पॉट है वो सिग्नल. मैं आया हूँ नया नया ना. अच्छा, अच्छा. फकीर. हाँ. और आप वहाँ पुराने वहाँ पे नहीं, आप आए, आप गाड़ी में है, मैं भीख मांग रहा हूँ. गाड़ियाँ महंगी हो गई प्रॉब्लम. चिकने अल्लाह, ऐसे क्या देख रहा है? चल ना, दे ना 50 रुपए सुनील शेट्टी के मुंह वाले. अल्लाह, आई ना खदड़ी तेरे लिए, खुदाई कसम, आज तो जुमरात का दिन है, आज तो कर दे कुछ यार. मैं तो दे दूंगा, तुम क्या दोगी? मैं क्या दूंगी, तू दे ना पैसे, कुछ तो करना यार. वही पैसे दे दूं? हाय हाय, लानत तेरे ऊपर, जा मर जा यहां से. ये बहुत अच्छा लगा. जी जी, इंशाल्लाह ये शो भी ऐसा होगा कि आप हिट नहीं होंगे, मैं ही होऊंगा. अल्लाह करे बहुत जल्द आपको कोई ड्रामा मिले जिसमें आपको हीरो बनने का मौका भी मिले. जल्दी जल्दी सारी बेइज्जती एक साथ करूंगा. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम खुल के, बिल्कुल गंदी बातें, इतना खुल के अल्लाह माफ करे, करियर तबाह हो जाए ऐसी बात. अच्छा, अब ये तो नहीं रात में जब होश आएगा आपको, जब उतरेगी फालूदा आपका उतरेगा, अबे यार ये क्या बोल दिया था? दो तीन के साथ हुआ है ऐसा, यहाँ से गए क्या बोल दिया, फोन कर रहे हैं अश्वर भाई वो मेरा काट दीजिएगा.
Big hand for Furkan Qureshi!